और इसीलिए आज जब मेरी सहयोगी मारिया शकील ने बात की अनुपम खेर के साथ, जो कि वो भी कल की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं, तो अनुपम खेर ने साथ में कहा कि अब जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतना अच्छा वक्त मिल गया है, इसका मतलब चीज़ें साफ हो रही हैं कि जनता के मन में क्या लोग क्या चाहते हैं। देखते हैं मारिया के साथ अनुपम खेर की खास बातचीत। अनुपम जी, NDTV इंडिया और NDTV इंग्लिश दोनों के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो क्या माना जाए कि या वहाँ से लेकर आए या यहीं पर? नहीं, यहाँ से लिया। हाँ। और पहली बात तो यहाँ राम के दरबार में कोई VVIP नहीं है, सेवक हैं, भक्त हैं, और जो सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, इस महासमारोह का उसके प्रतीक बनकर आए हैं। एंड ओवर हेयर सिर झुका हुआ है, वो हमने जो 40 साल में काम किया उसकी वजह से हम कुछ इंपॉर्टेंट बन गए, वो बात अलग है। यहाँ पर VVIP बन के कोई, यहाँ एक ही VVIP है, वो पर प्रभु राम है। और ये जो नियुक्ति पे कंट्रोवर्सी हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया, वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है भाजपा RSS का। आई थिंक पहली बात तो भगवान पॉलिटिकल प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं करते, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है, 500 साल से इस बारे में हो रहा था। और सो आई थिंक पीपल हु आर सेइंग दैट ये पॉलिटिकल माइलेज है, तो दे शुड कम, आई थिंक दे शुड गेट आल्सो टेक माइलेज आउट ऑफ इट। इनफैक्ट इफ दोज पीपल हु आर सेइंग कि ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए जा रहा है, तो उनको आना चाहिए, उनको बड़ा फायदा होगा। लोग कहेंगे कि अरे ये लोग भी आए, बाय सेइंग नो टू इट आई डोंट थिंक दे विल गेट एनी माइलेज। पॉलिटिक्स इज अबाउट माइलेज, इफ दे वॉन्ट टू डू दैट दे शुड कम। चलिए 22 तारीख के बारे में बात करते हैं, कल है, 24 घंटे भी नहीं रहे अब। बिल्कुल, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? क्या वो एक, ये भी कहा जा सकता है क्या अयोध्या से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी? बिल्कुल, आपके सवाल में मेरा जवाब है, बिल्कुल अध्याय की शुरुआत होगी अयोध्या से, एक नए भारत की शुरुआत होगी, एक नई सेंस ऑफ टुगेदरनेस की बात होगी। इसी बहुत सारे लोग इसके बारे में टुगेदरनेस, मैं कहता हूँ ये टुगेदरनेस है, राम इज अबाउट टुगेदरनेस, राम इज अबाउट लिसनिंग टू एवरीबडी। राम ने तो धोबी की भी बात सुनी थी जब सब कुछ हो गया था, वापस अयोध्या आए थे। तो आई थिंक एक नया अध्याय, एक नया सेंस ऑफ प्राइड है, इट्स सेंस ऑफ प्राइड फॉर ह्यूमैनिटी।